दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन से करने जा रहे हैं पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन फाइव तक तो देख लेते थे यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखें तभी एक्सरसाइज आप लोगों के साथ समझ में आएगा इसमें कह रहा है कि ए मैन एक्सेप्ट ए पोजिशन विथ एन इनिशियल लरी ऑफ रुपीज़ ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड क्या करें कि कोई मैन है जो ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ से एक अपना जॉब स्टार्ट करता है पर मंथ इट इज़ एन स्टूड दैट ही विल रिसीव एन ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ टू हंड्रेड फिफ्टी हालांकि वह उसको पता चला कि टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ जो है तो मतलब हर मंथ जो है उसका इंक्रीमेंट हो गया ओके एंड ईच मंथ देर आफ्टर देन फाइंड जिसे पिछला महीना में जितना आया था उससे 250 अगला महीना में ज्यादा आ जाए फिर जितना आया उससे अगला महीना में 250 और इंक्रीमेंट हो जाएगा हर मंथ जो है टू फिफ्टी रुपीज इंक्रीमेंट हो गया तो पूछ रहा है कि बताइए कि सैलरी फॉर द टेंथ मंथ कह रहा है कि बताइए कि टेंथ मंथ में कितना सैलरी हुआ और सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है इसको हम आराम से कर सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे गीवेन लिखेंगे गिवन देखिए इनिशियल सैलरी यानी कि फर्स्ट पेमेंट कितना यानी कि फर्स्ट पेमेंट को क्या बोलेंगे ए बोलेंगे तो इक्वल टू है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ओके डिफरेंस कितने का जिसको है जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हर मंथ कितना इंक्रीमेंट होता है टू फिफ्टी टू फिफ्टी हम लोग पूछ रहा है कि सैलरी फॉर द टेंथ मंथ यानी कि एन का वैल्यू कितना दिया गया है टेन दिया गया है ओके तो यहाँ पर लिखेंगे नो दैट वी नो ट टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पुट कीजिए एन का जगह पर टेन टेन टी इक्वल टू ए ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड प्लस एन माइनस वन यानी कि टेन माइनस वन इंटू डी डी का वैल्यू कितना है टू फिफ्टी आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को टी टेन का वैल्यू हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड प्लस नाइन इंटू टू फिफ्टी ओके आगे देखिए ये टी टेन इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव नाइन जर टू ट्वेंटी फाइव और हो जाएगा जीरो ओके okay? अब इसको ऐड कीजिए ये हो जाएगा जीरो, ये जाएगा फाइव फिर ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा सिक्स टू एट और ये हो जाएगा टू दोस्तों ट्वेंटी एट थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी हो जाएगा तो so इसका हो जाएगा टेंथ मंथ में सैलरी ओके तो लिखेंगे हम लोग देर फोर सैलरी फॉर द टेंथ मंथ सैलरी फॉर द टेंथ मंथ इक्वल टू रुपीज ट्वेंटी एट थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी ये दोस्तों तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर सेकंड पार्ट हम लोग ये दिया गया है सेकंड पार्ट हम लोग निकालना है कि वन ईयर में कितना टोटल सैलरी होगा वो हम लोगों को निकालना है, 26, 000, है, 250, है यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड डी है टू फिफ्टी और एन कितना है ट्वेल्व लेकिन यहाँ पे नो दैट एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ये टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्योंकि हम सम निकालना है तो पुट कीजिए यहाँ पे एस एन के जगह पे यहाँ पे ट्वेल्व यह हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन टू ये हो जाएगा टू इंटू ए की जगह पे ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड प्लस ये ट्वेल्व माइनस वन इंटू डी के जगह पे टू फिफ्टी ओके आगे देखिए एस टूवेल्व इक्वल टू यहाँ से कैंसिल करेंगे तो सिक्स ये हो जाएगा फिफ्टी टू थाउजेंड प्लस ये हो जाएगा एलेवन इंटू टू फिफ्टी ओके आगे देखिए ये हो जाएगा एस ट्वेल्व इक्वल टू हो जाएगा सिक्स ये हो जाएगा फिफ्टी टू थाउजेंड और यहाँ पर देखिए ट्वेंटी फाइव से हम लोग इलेवन को मल्टीप्लाई करेंगे टू सेवन ये हो जाएगा टू सेवन ये फाइव जीरो ओके आगे देखिए एस ट्वेल्व इक्वल टू हो जाएगा फाइव देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को फाइव okay? फोर सेवन फाइव जीरो ओके आप सॉरी दोस्तों सिक्स होगा इसको मल्टीप्लाई कीजिए हो गया ज़ीरो सिक्स फाइव जो हो गया थर्टी सिक्स सेवन जहाँ फोर्टी टू और थ्री फोर्टी फाइव हो जाएगा और ये हो जाएगा सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर फोर ट्वेंटी एट और ये सिक्स फाइव 30 थर्टी और टू थर्टी टू हो जाएगा यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थ्री लैक्स ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो आई होप दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिखेंगे कि देयर फॉर टोटल देयर फॉर टोटल अर्निंग टोटल अर्निंग ड्यूरिंग वन ईयर इक्वल टू थ्री लैक्स ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में कह रहा है कि ए मैन सेव्ड सिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड इन ट्वेल्व ईयर क्या कर रहा है दोस्तों कोई आदमी है जो छः लाख साठ हजार रुपये जो ट्वेंटी ईयर्स में क्या करता है बचाता है इन ईच सक्सीडिंग ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड रुपीज टू थाउजेंड मोर क्या कह रहा है जैसे मान लीजिए फर्स्ट मंथ में जितना बचाया उससे ज़्यादा जो है सेकेंड मंथ में कितना बचाएगा दो हजार रुपये ज़्यादा बचाएगा ओके okay? फिर नेक्स्ट मंथ उसके नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ जितना उसमें बचाया रहेगा उससे दो टू थाउजेंड रुपीज़ ज़्यादा बचाएगा अगला महीना में ठीक है तो कह रहा है रुपीज़ टू थाउजेंड मोर देन वाट ही सेव्ड इन द प्रीवियस ईयर पिछले महीना में जितना बचाया रहेगा उससे दो हजार रुपये ज़्यादा बचाएगा नेक्स्ट मंथ में तो पूछ रहा है प्रीवियस ईयर नहीं होगा दोस्तों प्रीवियस मंथ हो एक मिनट सॉरी प्रीवियस ईयर है ओके मतलब फर्स्ट ईयर में जितना बचाया रहेगा मंथ नहीं है फर्स्ट ईयर जो है जितना बचाया रहेगा उससे ज्यादा जो है मतलब टू थाउजेंड जो है नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में ईयर में बचाएगा बचाएगा ठीक है तो कह रहा है कि हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर तो बताइए कि कितना जो है मतलब फर्स्ट ईयर में बचाया है सो दोस्तों फिर समझिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कोई आदमी है जो छः लाख साठ हज़ार रुपया जो है सो टोटल सेविंग करता है ट्वेंटी इयर्स में कितना इयर्स में ट्वेंटी इयर्स में कंडीशन दिया गया है इस तरह से बचाता है जिस फर्स्ट ईयर में जितना बचाया उससे टू थाउजेंड रुपीज़ जो है सो ज़्यादा नेक्स्ट ईयर में बचाएगा ओके तो कह रहा है कि बताइए तो फर्स्ट फर्स्ट ईयर में कितना वो सेविंग किया था सो तो यहाँ पर देखिए सम दिया गया है यानी कि एस दिया गया है हम लोगों को सिक्स लैक्स सिक्सटी थाउजेंड ओके और हम लोगों को दिया गया है डी कितना हो जाएगा डी हो जाएगा टू थाउजेंड क्योंकि हर ईयर जो टू थाउजेंड ज़्यादा करके बचाता है और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है ट्वेंटी है ओके okay? डिफरेंस कितना का था टू थाउजेंड का क्योंकि जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में मान लो जितना बचा उसे अगला मंथ हो कितना टू थाउजेंड ज़्यादा बचाएगा तो डिफरेंस कितना का रहेगा टू थाउजेंड का यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे एन बाई टू ये टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी हम लोग बताना है कि फर्स्ट मंथ में कितना बचाया था यानी कि ए का वैल्यू हम लोग का रहा निकालने के लिए ओके तो देखिए एस एन के जगह हम लिख देंगे सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड इक्वल टू ट्वेंटी अपॉइंटमेंट टू टू ए प्लस एन यानी कि ट्वेंटी माइनस वन इंटू डी के जगह पे ट्वेंटी टू थाउजेंड ओके आगे देखिए हो जाएगा यहाँ पर टेन हो जाएगा ओके सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड इक्वल टू टेन इंटू टू ए प्लस नाइनटीन इंटू टू थाउजेंड ओके आगे देखिए हो जाएगा सिक्स लेक्स सिक्सटी थाउजेंड ओके देखिए इस टेन को चाहेंगे तो हम नीचे में शिफ्ट कर सकते हैं या ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए दे इस इसको देखिए चीज़ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ट्वेंटी ए प्लस इसको टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइनटीन टू जो थर्टी एट तीन जीरो यहाँ पे है और एक जीरो यहाँ से आएगा चार जीरो हो जाएगा ओके इसको इधर लेफ्ट में ले आइए देखिए सिक्स लैख सिक्सटी थाउजेंड माइनस हो जाएगा थ्री लैक्स एट्टी थाउजेंड ओके इक्वल टू कितना ट्वेंटी ए हो जाएगा अब इसको माइनस कीजिए देखिए जीरो जीरो फिर जीरो फिर यहाँ पर तो तो हो जाएगा जीरो और सिक्स सिक्सटीन में से एट जाएगा तो हो जाएगा एट और फाइव में से थ्री जाएगा तो हो जाएगा टू इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी ये तो यहाँ से दोस्तों देखिए एक का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए एक का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा टू एट फोर जीरो अपन में ट्वेंटी कैंसिल हो गया इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा फोर्टीन थाउजेंड ओके तो फोर्टीन थाउजेंड दो इसका क्या हो गया फर्स्ट मंथ का सेविंग हो गया तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवन आप लोग समझ में आ गया कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक तो के लिए थैंक यू सो मच